रउवा सभे के प्रणाम बा। देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी के आसान बनावे खातिर और व्यवस्था मजबूत करे खातिर मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च से जुड़े सैकड़न करोड़ रुपया की योजना के शिलान्यास और लोकार्पण भइल है। एकरा खातिर सौ से बिहार के भाई बहन लोगन के अनघा बधाई देतने बिहार के गवर्नर फागु चौहान जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज जी, कैलाश चौधरी जी, प्रताप चंद्र सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों के में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को दोगुना किया जाए। इससे सिर्फ
फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अभी जिन साथियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद के बाद तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जब मैंने राजू का विश्वास देखा और मैंने भाई ब्रजेश जी से बातें की, भाई ज्योति मंडल से बातें की और बेटी मोनिका, देखिए कितना विश्वास झलकता है। साथियों, मछली पालन बहुत कुछ साफ पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस काम में गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है। गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में रिवर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका लाभ भी फिशरीज सेक्टर को मिलना तय है। इस 15 अगस्त को जिस मिशन डॉल्फिन की घोषणा की गई है, वो भी फिशरीज सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यानी एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये होने ही वाला है। मुझे पता चला है कि हमारे नीतीश बाबू जी इस मिशन से जरा ज्यादा ही उत्साहित है, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ गंगा तट के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में गांव गांव पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रशंसनीय काम हो रहा है। 4-5 साल पहले बिहार में सिर्फ 2% घर पीने के साफ पानी की सप्लाई से जुड़े थे, आज ये आंकड़ा बढ़कर 70% से अधिक हो गया है। इस दौरान करीब करीब 1.5 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है। नीतीश जी के इस अभियान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है। मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोना के इस समय में भी बिहार में करीब 60 लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिश्चित किया गया है। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह इस बात का भी उदाहरण है कि इस संकट काल में, जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गांवों में किस तरह एक आत्मविश्वास के साथ काम चलता रहा, यह हमारे गांवों की ही ताकत है कि कोरोना के बावजूद अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो, जो भी आवश्यक चीजें थी, मंडियों तक, डेयरियों तक बिना किसी कभी तकलीफ के बिना वो आता ही रहा, लोगों तक पहुंचता ही रहा। साथियों, इस दौरान अन्न उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, हर प्रकार से बंपर पैदावार हुई है। यही नहीं, सरकारों ने, डेयरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्थिति के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है। इसमें करीब करीब 75 लाख किसान हमारे बिहार के भी हैं। साथियों, जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से अब तक करीब 6000 करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गांव पर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए हैं। ये काम इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि बिहार कोरोना के साथ साथ
बाढ़ की विभीषिका का भी बहादुरी से सामना कर रहा है। साथियों, कोरोना के साथ साथ भारी बरसात और बाढ़ के कारण बिहार समेत आसपास के क्षेत्रों में जो स्थिति बनी है उससे हम सभी भलीभांति परिचित है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास है कि राहत के कामों को तेज गति से पूरा किया जाए। इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुफ्त राशन की योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका लाभ बिहार के हर जरूरतमंद साथी तक पहुंचे। बाहर से गांव जो लौटे हुए हमारे श्रमिक परिवार हैं उन तक पहुंचे। इसलिए ही मुफ्त राशन की योजना को जून के बाद, वैसे वो जून महीने में पूरा होना था लेकिन जून के बाद दीपावली और छठ पूजा तक उसको बढ़ा दिया गया है। साथियों, कोरोना संकट के कारण शहरों से लौटे जो श्रमिक साथी हैं उनमें से अनेक साथी पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की अनेक योजनाओं से उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मैं ऐसे साथियों को कहूंगा कि आज जो कदम आप उठा रहे हैं उसका भविष्य उज्जवल है। मेरे शब्द लिख करके रखिए, आप जो कर रहे हैं इसका भविष्य उज्जवल है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के डेयरी सेक्टर का विस्तार हो, नए प्रोडक्ट्स बने, नए इनोवेशंस हो, जिससे किसान को, पशुपालकों को ज्यादा आय मिले। इसके साथ इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि देश में ही उत्तम नस्ल के पशु तैयार हों, उनके स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो और उनका खान पान स्वच्छ हो, पोषक हो। इसी लक्ष्य के साथ आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा पशुधन को खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्त करने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। पशुओं को बेहतर चारे के लिए भी अलग अलग योजनाओं के तहत प्रावधान किए गए हैं। देश में बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए मिशन गोकुल चल रहा है। एक वर्ष पहले ही देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका एक चरण आज पूरा हो चुका है। साथियों, बिहार अब उत्तम देसी नस्लों के विकास को लेकर देश का एक प्रमुख सेंटर बन रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आज पूर्णिया, पटना, बरौनी में जो आधुनिक सुविधाएं बनी हैं उससे डेयरी सेक्टर में बिहार की स्थिति और मजबूत होने वाली है। पूर्णिया में जो सेंटर बना है वो तो भारत के सबसे बड़े सेंटरों में से एक है। इससे सिर्फ बिहार ही नहीं पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को बहुत लाभ होने वाला है। इस केंद्र से बछौर और रेड पूर्णिया जैसी बिहार की देशी नस्लों के विकास और संरक्षण को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथियों, एगो गाय सामान्यतः एक साल में एक बच्चा देवेली, लेकिन IVF तकनीक से एक गाय की मदद से एक साल में अनेकों बच्चा प्रयोगशाला में हो रहलबा। हमार लक्ष्य
ई तकनीक के गांव गांव तक पहुंचावे के बाद साथियों पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ई गोपाला ऐप शुरू किया गया है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को यह पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। साथियों, कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सब का विकास और तेजी से हो इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना और गांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिहार तो वैसे भी कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च का अहम सेंटर रहा है। दिल्ली में यहां हम लोग पूसा पूसा सुनते रहते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि असली पूसा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर में है और यहां वाला तो एक तरह से उसका जुड़वा भाई है। साथियों, गुलामी के कालखंड में ही समस्तीपुर के पूसा में राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुला था। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विजनरी नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए साल 2016 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में और उसके तहत चलने वाले कॉलेजों में कोर्सेज का भी और सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है। चाहे मोतिहारी में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का नया कॉलेज हो, पूसा में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट हो, बिहार में कृषि विज्ञान और कृषि प्रबंधन की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। साथ ही नए हॉस्टल, स्टेडियम और गेस्ट हाउस का भी आज शिलान्यास किया गया है। साथियों, कृषि क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पिछले 5-6 वर्षों से देश में एक बड़ा अभियान जारी है। 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं आज देश में 3-3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। यहां बिहार में जो बाढ़ हर साल आती है उसे खेती किसानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे ही मोतीपुर में मछली से जुड़ा रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर
मोतिहारी में पशुपालन से जुड़ा कृषि और डेयरी विकास केंद्र, ऐसे अनेक संस्थान कृषि को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किए गए हैं। साथियों, अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि बिहार के युवा, विशेष तौर पर हमारी बहनें पहले से ही इसमें सराहनीय योगदान दे रही है। श्री विधि धान की खेती हो, लीज पर जमीन लेकर सब्जी उगाना हो, अज्जोला सहित दूसरी जैविक खादों का उपयोग हो, कृषि मशीनरी से जुड़ा हायरिंग सेंटर हो, बिहार की स्त्री शक्ति भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने में आज आगे है। पूर्णिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा अरण्यक एफपीओ और कोसी क्षेत्र में महिला डेयरी किसानों की कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ऐसे अनेक समूह प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, प्रेरक काम कर रहे हैं। अब तो हमारे ऐसे उत्साही युवाओं के लिए, बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड भी बनाया है। 1,00,000 करोड़ रुपए के इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ऐसे एफपीओ, कृषि उत्पादक संघों को, सहकारी समूहों को गांव में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी। इतना ही नहीं, हमारी बहनों के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको भी अब बहुत मदद दी जा रही है। आज बिहार में स्थिति ये है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में अब स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 32 गुना की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि देश को, बैंकों को हमारी बहनों के सामर्थ्य पर, उनकी उद्यमशीलता पर कितना भरोसा है। साथियों, बिहार के गांवों को, देश के गांवों को आत्मनिर्भर भारत का अहम केंद्र बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार बढ़ने वाले हैं। इन प्रयासों में बिहार के परिश्रमी साथियों का रोल भी बहुत बड़ा है और आपसे देश को उम्मीदें भी बहुत अधिक हैं। बिहार के लोग देश में हो या विदेश में, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग अब आत्मनिर्भर बिहार के सपने को पूरा करने के लिए भी निरंतर इसी तरह काम करते रहेंगे। विकास योजनाओं की शुरुआत के लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूंगा। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, वो बताऊंगा और मेरी अपेक्षा यही है
मास्क और दो गज की दूरी के नियम का पालन अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने घर में बड़ी आयु के जो परिवार के जन है उनको बराबर संभाल के रखिए, ये बहुत आवश्यक है। कोरोना को लाइट मत लीजिए और हर नागरिक को, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्सीन जब आए तब आए, लेकिन ये जो सोशल वैक्सीन जो है वो कोरोना से बचने का उत्तम उपाय है, बचने का यही रास्ता है। और इसलिए दो गज की दूरी, मास्क, कहीं पर थूकना नहीं, बुजुर्गों की चिंता करना, इन विषयों को मैं बार बार याद कराता हूं। आज आपके बीच आया हूं, फिर से याद कराता हूं। मैं फिर एक बार आपके बीच आने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत राज्य सरकार का, हमारे गिरिराज जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।